हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में। यहाँ पे हम सीखते हैं डेली 10 इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होते हैं। साथ साथ इसके हम इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल को भी लर्न करते हैं, जिससे कि आपको इसे याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिल सके। और आप हमें इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे जो पहला हमारा वोकैब है वो क्या है। फ्रैजिल, इट मीन्स इजिली ब्रोकन और डैमेज, इट मीन्स नॉट स्ट्रांग, मतलब जो आसानी से तोड़ा जा सके या फिर किसी को मतलब ख़राब किया जा सके। तो यहाँ पे फ्रैजिल्स का मतलब यही है, नॉट स्ट्रांग, जो कि स्ट्रांग नहीं है, इट मीन्स नाजुक या फिर कमजोर। सिनोनिम्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रेकेबल, डेलिकेट एंड फ्रेंजिबल, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, देखिए इनफ्रेंजिबल, स्टर्डी एंड स्ट्रांग। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हर हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंजिल, देखिए उनका उसका या फिर उनकी जो हेल्थ थी वो ऑलवेज मतलब फ्रेंजिल, कमज़ोर और नाजुक ही रह रही थी। यहाँ पे देखिए फ्रेंजिल का मतलब यही है कि उनका जो हेल्थ था, उनका जो स्वास्थ्य था, वो हमेशा कमज़ोर या नाजुक रह रहा था यहाँ पे। तो फ्रेंजिल मीन्स यहाँ पे क्या है, नाजुक और कमज़ोर। ओके, तो नेक्स्ट वो क्या आप देखते हैं, देखिए एक्सप्लॉइट, ठीक है। इट मीन्स टू गेट वैल्यू और यूज फ्रॉम समथिंग्स, ठीक है, मतलब किसी का काम लेना, ठीक है, उसको यूज करना, ठीक है, किसी भी सेंस में। तो यहाँ पर मतलब आप उनका क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं एक तरीके से, उनका यूज कर रहे हैं। आप नहीं बोलते हैं जैसे कि आपने मेरा यूज कर लिया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, शोषण करना या फिर दोहन। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए अब्यूज, पिम एंड इम्पोज ऑन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आए। सी सैड द ट्रेजिडी हैज़ बीन एक्सप्लाइटेड बाय द मीडिया, मतलब उनके साथ जो ट्रेजिडी हुआ था, ठीक है, उसको उन्होंने मीडिया को मतलब उनके साथ जो मतलब शोषण हुआ था एक तरीके से, जो दुर्घटना हुआ था जिसमें उनका शोषण किया गया था, उससे उन्होंने मीडिया के द्वारा बताया, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लॉइट मतलब क्या है, यहाँ पे शोषण या फिर दोहन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए वोकैब क्या है, यहाँ पे जो तीसरा वोकैब है कॉन्सेंसस, ठीक है। कॉन्सेंसस मीन अ जनरल एग्रीमेंट अबाउट सम थिंग्स, किसी चीज़ का मतलब एग्रीमेंट, स्टार्टिंग मतलब वही सहमति या फिर तालमेल। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका, अकॉर्ड, यूनिसन एंड एग्रीमेंट। और एंटोनिम्स की बात करें, हम देखिए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट एंड डिससेंसस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द डिसीजन वॉज मेड बाई कॉन्सेंसस, तो एकदम इजी एग्जाम्पल है, मतलब जो डिसीजन लिया गया था या फिर जो डिसीजन बनाया गया था वो सभी लोगों के सहमति पे था, मतलब जितने भी लोग थे उनका क्या था, यहाँ पे देखिए कॉन्सेंसस, उनके तालमेल से। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है, मान लीजिए घर का हो या फिर टाउन का हो, सिटी का हो, तो लोग बैठ के एक आप सहमति बताते बनाते हैं कि नहीं ये सही है, तो क्या करते हैं वो लोग, कॉन्सेंसस, सबका तालमेल एक साथ बैठता है तब कोई डिसीजन लिया जाता है। तो कॉन्सेंसस मीन्स क्या होता है, सहमति या फिर तालमेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे एविडेंस, मैक्सिमम और आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता ही है एविडेंस, देखिए एविडेंस मीन्स क्या, सबूत, मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड है, समथिंग विच शो दैट समथिंग इज एग्जिस्ट और इट्स ट्रू, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो शो करे कि नहीं ये सही सही चीज़ है, इट मीन्स क्या, साबित करना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ का प्रमाण है। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स की बात करें, आप देखिए अटेस्टेशन, कॉन्फर्मेशन, कोरोबोरेशन। ओके, और एंटोनिम्स की बात करें, यहाँ पे देखिए रिफ्यूटेशन, कॉन्जेक्चर एंड सरमाइस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेटर्स कुड फाइंड नो एविडेंस लिंकिंग हिम टू द क्राइम, ठीक है, मतलब जो खोजकर्ता थे, इन्वेस्टिगेटर मीन्स सीबीआई, पुलिस जो भी उसमें लगे हुए थे, उन्होंने जो क्राइम से जो लिंक था उसका, देखिए कुड फाइंड नो एविडेंस, मतलब कोई भी सबूत जो उसका जुटा नहीं पाए, ठीक है, कोई भी जो उसे लिंक कर रहा था, जो क्राइम था उससे लिंक था उसका, उनको कोई सबूत नहीं मिला। क्या नहीं मिला, नो एविडेंस, उनको कोई एविडेंस फाउंड ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए एविडेंस मतलब वही उनके मतलब प्रमाण या फिर सबूत या फिर साबित करना किसी चीज़ को, तो वो जो इन्वेस्टिगेटर थे वो फेल हो गए इसमें, जो खोजकर्ता थे यहाँ पे। ओके, तो एविडेंस मतलब क्या हो गया, साबित करना या फिर प्रमाण। ओके, नेक्स्ट वोकैब में चलते हैं, देखिए एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स देखिए कॉमन इन पर्टिकुलर एरिया और फील्ड, मतलब स्थानीय, जैसे लोकल हम लोग कहते हैं, लोकल ये यहाँ का है, ये लोकल है, मतलब स्थानीय है, यहाँ का है, इसको पूछोगे आप तो इसके बारे में उसको पूरी डिटेल होगी, ठीक है, स्थानीय। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए डोमेस्टिक, बॉर्न एंड नेटिव। और एंटोनिम्स की बात करें, देखिए तो इम्पोर्टेड एंड नॉन नेटिव एंड एक्जॉटिक। ओके,
एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, द फिश इज नॉट एंडेमिक स्पेसिस ऑफ द लेक एंड इट इज रैपिडली डिवोरिंग द नेटिव ट्रॉट पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए एंडेमिक, देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो फिश है, जो मछली है, जो झील की मछली है, स्पेसाइज या फिर स्पेसिस, मतलब ये है जो स्थानीय जाति का नहीं है, इट मीन्स ये लोकल नहीं है, ये झील में से कहीं से बाहर से आया हुआ है। एंड इट इज़ रैपिडली डिवोरिंग द नेटिव ट्रॉट पॉपुलेशन, मतलब ये रैपिडली, मतलब डिवोरिंग मीन्स होता है क्या, मतलब इसका मीन्स तो होता है भकोसना, मतलब वही खाना, ठीक है, खा जाना किसी चीज़। तो ये क्या कर रहा है कि जो जो वहाँ की लोकल, मतलब जहाँ जो वहाँ की मछलियाँ हैं, जो ट्रॉट पॉपुलेशन है, उसको खाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सेंस तो मतलब इसका जो एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए इंडेमिक, ठीक है, इंडेमिक मीन्स क्या है, स्थानीय या फिर लोकल, वही कह लीजिए डोमेस्टिक बॉर एंड नेटिव, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो बाहर का जो मछली था वो वहाँ के प्रजाति की मछलियों को खा रहा था, ठीक है, वो मतलब स्थानीय नहीं था। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए जो कि छठवां वो कैब है, डीमार्केट इट मीन्स टू शो द लिमिट और एज ऑफ समथिंग्स, मतलब किसी चीज़ का मतलब एंड, एक तरीके से किसी मतलब एरिया का एंड या फिर किनारा, ठीक है, इट मीन्स सीमांकन करना, मतलब किसी चीज़ की बाउंड्री करना, यहाँ पे देखिए उसी सेंस में है। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए सॉरी, बाउंड, लिमिट एंड टर्मिनेट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। द प्लॉट ऑफ द लैंड इज डीमार्केटेड बाई अ लो ब्रिक वॉल, मतलब जो प्लॉट था, जो जमीन थी, जमीन पे जो प्लॉट था, उसे डीमार्केटेड बाई ब्रिक, लो ब्रिक वॉल, उसका सीमांकन किया गया, उसके चारों तरफ से बाउंड्री की गई, किस चीज़ से, मतलब लो जो वो क्या बोलते हैं उसको, ईट था, उससे दीवार बनाई गई, एक छोटी सी दीवार बनाई गई चारों तरफ से ईट ईट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डीमार्केटेड मतलब क्या हो गया, सीमांकन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, जो कि हमारा सातवां वर्ड है, कोरोलैरी। इट मीन समथिंग दैट नेचुरली फॉलो और रिजल्ट फ्रॉम अनदर थिंग्स, ठीक है, जो नेचुरली फॉलो हो रहा हो या फिर किसी चीज़ का रिजल्ट, यहाँ पे देखिए उसी सेंस में है, यहाँ पे मतलब परिणाम। ओके ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके, आफ्टर इफेक्ट, कंक्लूजन एंड रिजल्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए कॉजेजन एंड ओकेजन एंड रीजन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, वन कोरोलैरी कोरोलैरी ऑफ द राइज ऑफ टेलीविजन वॉज मैसिव मेकओवर ऑफ रेडियोज प्रोग्राम्स। देखिए मतलब जब टेलीविजन स्टार्टिंग में आया, जब टेलीविजन स्टार्टिंग में आया, तो उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है, वन कोलोरैली कोरोलैरी, उसका परिणाम ये निकला कि जो रेडियो प्रोग्राम थे, ठीक है, एक तरीके से उसने सारा मेकओवर किया किसको, टेलीविजन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोरोलैरी मीन्स यही है, परिणाम। ओके, तो ये हमारा था सातवां वोकैब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आठवें वोकैब की तरफ, रैम्पेंट, ठीक है, रैम्पेंट मीन्स ग्रोइंग क्विकली एंड इन वे दैट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि उस पर कंट्रोल ही करना, मतलब उसे काबू ही नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल ही नहीं करते, बहुत कठिन है उसको कंट्रोल करना, वो क्या है, रैम्पेंट। ओके, मतलब काबू से बाहर या फिर तेज़ी से फैलने वाला। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसको, तो अबैंडन्ड, अनकंट्रोल एंड अनहैम्पर्ड। एंटोनिम्स की बात करें, मतलब ब्रीडल, कंट्रोल्ड या फिर ऑर्डिनरी। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। द मेयर प्रोमिस्ड टू पुट अ स्टॉप टू द रैम्पेंट क्राइम दैट प्लेज द सिटी, ठीक है, मतलब जिस क्राइम से सिटी बहुत ज़्यादा प्लेज, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है, मेयर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको क्या कर देगा, मतलब हाँ, जो क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जिससे कि पूरी सिटी परेशान थी, ठीक है, उस पर काबू करना मुश्किल था, तो मेयर ने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको बंद कर दूंगा या फिर मैं उसको बंद करवा दूंगा। तो देखिए रैम्पेंट क्राइम, बहुत तेज़ी से फैलने वाला क्राइम जो कि काबू से बाहर था, तो रैम्पेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, काबू से बाहर या फिर तेज़ी से फैलने वाला। ओके, अब नेक्स्ट देखिए नवा वो क्या, पेक्यूलर, नॉट यूजुअल और नॉर्मल, मतलब अजीब, विचित्र या फिर असामान्य। ओके, पेक्यूलर। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए एबेरेंट, एबनॉर्मल एंड एटिपिकल। ओके, एंटोनिम्स देखें यहाँ पे, तो कॉमन, नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी, सॉरी, एग्जांपल देखते हैं, इट सीम पेक्यूलर दैट ही वुड लीव टाउन एंड नॉट टेल एनीबॉडी, मतलब उसने क्या किया कि जो टाउन था उसे वो छोड़ के चला गया, बट इट सीम पेक्यूलर, ये बहुत अजीब था, क्योंकि उसने किसी से कहा नहीं कुछ भी, उसने किसी से शेयर नहीं किया, किसी से उसने कुछ कहा नहीं, और अचानक ही वो टाउन छोड़कर
चला गया। तो यहाँ पे देखिए पेक्यूलर मतलब ये बहुत विचित्र बात है कि मतलब अगर आप किसी को जानते हैं वो आप अचानक आपके साथ छोड़ के चला जाए तो आपको लगेगा नहीं कि ये क्यों मुझे बताया भी नहीं। तो अजीब विचित्र एंड असामान्य पेक्यूलर। ओके तो बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ जो है दसवां वर्ब कंसल्ट। ठीक है कंसल्ट मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड ये भी है टू टॉक अबाउट समथिंग विथ समवन इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। इट मीन्स राय लेना विमर्श करना। ठीक है सिनोनिम्स देखते हैं इसके तो एडवाइस कॉन्फैब एंड कॉन्फर। ओके एग्जाम्पल देखते हैं इसका कंसल्ट अ लेयर अबाउट अ बिजनेस मैटर। मतलब कि जो बिजनेस मैटर था उसके लिए उन्होंने लॉयर जो थे वकील थे उससे उन्होंने राय लिया विचार विमर्श किया अपने बिजनेस पर्पज के लिए। तो फ्रेंड्स कंसल्ट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ राय लेना या फिर विचार विमर्श करना। तो ये हमारा दसवां वोकैब था आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। एंड यहाँ पे हम सीखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैब और उसके साथ साथ उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी हम यहाँ पे लर्न करते हैं जिससे कि आपको उसको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप इस कोर्स को रेट रिव्यू रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले और आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। ओके तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए वो कैब कौन सा है। सबसे पहला वो कैब है इलूसिव। इट मीन्स क्या होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड डिफाइन आर रिमेंबर। ठीक है मतलब किसी चीज़ को समझना में बहुत ज़्यादा कठिनाई होना या फिर किसी चीज़ को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होना या फिर याद करने में मतलब यहाँ पे इस सेंस में है कि छल कपट और धोखा यहाँ पे इसी सेंस में है इल्यूसिव। ठीक है किसी को आप मतलब अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है वहाँ पे। ठीक है सिनोनिम्स की बात करें देखिए इवेसिव फॉरगेटिव एंड स्लिपरी एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एसेसिबल रीचेबल एंड अवेलेबल। ओके तो एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे देखिए द ट्रूथ मे प्रूव इल्यूसिव। मतलब जो तुमने धोखा किया है छल किया है वो उसकी सच्चाई को वो प्रूफ मतलब जो सत्य है वो उसको प्रूफ कर सकता है। ठीक है तो इल्यूसिव मीन्स यहाँ पे क्या है छल कपट और धोखा। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वोकैब की तरफ। तो देखिए दूसरा वोकैब जो यहाँ पे है हमारा रिकॉन्सिलिएशन। इट मीन्स क्या होता है द एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल और ग्रुप्स टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट आर डिसएग्रीमेंट। मतलब दो ग्रुप जैसे मान लीजिए दो आपके फ्रेंडी हैं अचानक दोनों में बहस हो जाती है किसी चीज़ को लेके या फिर डिसएग्रीमेंट किसी भी चीज़ को लेके होती है लेकिन फिर से वो आके मिल जाते हैं एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसी सेंस में है रिकॉन्सिलिएशन। इसमें क्या है कि फिर से मिलाप या फिर पुनर्मेल। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए कॉम्प्रोमाइज हारमोनी एंड सेटलमेंट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका ही कॉन्टेक्टेड अस इन होप ऑफ अ रिकॉन्सिलिएशन। इट मीन्स क्या मतलब वो हमसे कांटेक्ट किया या फिर हमसे कांटेक्ट में इसलिए आया हमसे फिर से इसलिए जुड़ा उसकी मतलब एक आशा थी कि हम लोग फिर से मिल जाएंगे। ठीक है या फिर उसने मुझे फिर से कांटेक्ट इसलिए किया कि उसे एक होप थी कि हम लोग फिर से मिल जाएंगे मतलब क्या पुनर्मेल। ओके नेक्स्ट जल्द चलते हैं तीसरा वो क्या देखिए यहाँ पे क्या है एलिगेशन। मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन मीन्स क्या अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समवन हैज़ डन समथिंग्स रॉन्ग और इलीगल। ठीक है मतलब कोई स्टेटमेंट जो कहता है कि आपने कुछ गलत किया है या फिर ये जो आपने कर जो आप कर रहे हैं ये क्या है इलीगल है। ओके सिनोनिम्स देखते हैं इसका देखिए चार्ज क्लेम एंड अफर्मेशन। एंटोनिम्स की बात करें तो अटेस्टेशन डेनियल एंड कैंसिलेशन। ओके एग्जाम्पल देखते हैं इसके जिससे कि आपको समझ में आ जाइए यू आर मेकिंग अ सीरियस एलिगेशन डू यू हैव एनी प्रूफ। मतलब आप जो है कि मेरे ऊपर बहुत ही सीरियस आरोप लगा बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगा रहे हो बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हो डू यू हैव एनी प्रूफ क्या इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण है कोई साक्ष्य है। तो यहाँ पे देखिए एलिगेशन मतलब यही है एलिगेशन मतलब क्या हो गया प्रमाण सॉरी एलिगेशन मतलब आरोप या फिर शिकायत मतलब आप मेरे ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं गंभीर शिकायत कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। ठीक है तो इसके लिए आपके पास प्रमाण है तो एलिगेशन मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आरोप या फिर शिकायत। ओके देखिए चौथा यहाँ पे जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है 310। ठीक है 310 मीन्स टू बी समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म टू समवन और समथिंग्स। मतलब किसी को एक तरीके से हार्म पहुँचाने के लिए बोलना कि मैं तुम्हें ऐसे कर सकता हूँ मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ मतलब धमकाना या डराना इसी सेंस में है इसका 310। ठीक है ओके सिनोनिम देखते हैं होवर ओवरहैंग एंड मिनेट। और एग्जाम्पल की बात करें द मगर थ्रीटेंडेड हिज विथ अ गन।
मगर मीन्स क्या होता है, मगर मीन्स होता है गुंडा, मतलब जो गुंडा था उसने अपने गन के थ्रू उसको धमकाने की कोशिश की, उसको डराने की कोशिश की, ठीक है। तो मगर थ्रेटेंड हिज विथ अ गन, बंदूक से उसे डराने की कोशिश की कि मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। तो थ्रेटेंडेड मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, धमकाना या फिर डराना। ओके नेक्स्ट में चलते हैं, पांचवा हो गया देखिए ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्या, एक्सट्रीमली क्रूअल और हैरेस, इट मीन्स क्रूर, निर्दयी एंड कठोर, ठीक है। इसका मतलब यही है। सिनोनिम्स की बात करें तो वीटर, रैश एंड क्रूअल। एंटोनिम्स की बात करें तो ईजी, लाइट एंड सॉफ्ट। ओके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आए। सेलर समथिंग समटाइम्स, सॉरी यहाँ पे समथिंग्स नहीं है, यहाँ पे समटाइम्स रहेगा। सेलर समटाइम फेस ब्रूटल पनिशमेंट लाइक वीपिंग, ठीक है। मतलब जो सेलर्स मतलब नाविक होते हैं, मतलब वही मछुआरे होते हैं, वो कभी कभी जो है कि बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट, उनको बहुत क्रूअल सजा दी जाती है, लाइक वीपिंग, मतलब से कोड़ों से मारना जिसे कहते हैं, वही बहुत बुरी तरीके से वो होता है वीपिंग। तो देखिए यहाँ पे ब्रूटल पनिशमेंट मतलब बहुत ही क्रूर सजा, एक तरीके से बहुत ही कठोर सजा, बहुत ही निर्दयी वाला सजा। तो ब्रूटल मीन्स यहाँ पे क्या है, क्रूर, निर्दयी और फिर या फिर कठोर। ओके नेक्स्ट में चलते हैं छठवां, एंड एनिएबल। इट मीन्स क्या होता है, क्लियरली ट्रू, इम्पॉसिबल टू डेनी, मतलब एकदम सत्य, मतलब उसमें कोई विवाद नहीं है यहाँ पे, देखिए उसी से रिलेटेड है, अविवादित या फिर अविवादास्पद, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें देखिए, एकॉम्प्लिश्ड, पॉजिटिव एंड श्योर। ओके एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए, आंसरेबल, डिबेटेबल एंड रिफेटेबल, ठीक है। अब इसका वो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। द बैन पॉपुलरिटी इज अनडेनिएबल, मतलब जो बैंड है उसकी पॉपुलैरिटी जो है इतनी ज़्यादा है कि मतलब वो विवादित नहीं है और विवादास्पद है, ठीक है, जो बैंड है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा सातवां वो क्या है देखिए, रिजाइम, इट मीन्स शासन, ठीक है। रिजाइम मीन्स क्या होता है, शासन, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब किसी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या, शासन पद्धति या फिर शासन व्यवस्था। ओके सिनोनिम्स की बात करते हैं इसका देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी या फिर रूल। ओके एग्जांपल देखते हैं इसका देखिए, रिजाइम का, द न्यू रिजाइम श्योर टू फॉल, ठीक है। मतलब जो ये नया शासन व्यवस्था है, जो नया शासन पद्धति है, वो क्या श्योर टू फॉल, ये बहुत जल्दी गिर जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। ओके इसी सेंस में यहाँ पे है। एक और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अंडर द न्यू रिजाइम ऑल वर्कर मस्ट बी फाइल अ वीकली रिपोर्ट, मतलब जो नया ये शासन व्यवस्था बनाया गया है, इसमें जितने भी वर्कर हैं मस्ट बी फाइल अ वीकली रिपोर्ट, उनको एक वीकली रिपोर्ट जरूर से जरूर फाइल करना है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो रिजाइम मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, शासन पद्धति या फिर शासन व्यवस्था। ओके नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, टेंजियल। टेंजियल मीन्स क्या है, इजली सीन और रिकोगनाइज, एबल टू टच और फेल्ट, ठीक है, वास्तविक या फिर छूने से जान पड़ने वाला, मतलब जो अच्छे से दिखे या फिर जिसे आप समझ सकते हैं, वो वही है इसी सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं अभी देखिए, पैल्पेबल, टचेबल एंड एंटोनिम से इसका देखिए, इम्पैल्पेबल एंड इनटेंजिएबल। ओके अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका देखिए, देयर इज नो टेंजिएबल एविडेंस टू सपोर्ट हर क्लेम, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मतलब टेंजिएबल एविडेंस, वास्तविक कोई सबूत यहाँ पे, देखिए एविडेंस मैंने आपको बताया, वास्तविक सबूत कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जिससे कि तुम्हारे क्लेम को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे यही है टेंजिबल एविडेंस, मतलब वास्तविक या फिर मतलब जान पड़ने वाला है, फिर सही जो साफ तरीके से हमको दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम तुम्हारे द्वारा किए गए क्लेम का सपोर्ट करें, ठीक है। तो टेंजिबल मीन्स क्या होता है, टेंजिबल मीन्स होता है वास्तविक या फिर छूने से जान पड़ने वाला। ओके तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा नवा वोकैब है, वेरी। वेरी मीन्स क्या है, नॉट हैविंग और शोइंग कंप्लीट ट्रस्ट ऑन समवन, ठीक है। मतलब किसी पर भी कंप्लीट ट्रस्ट करना या फिर दिखाना कि नहीं मुझे तुम्हारे पे एकदम पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं, उसके मतलब थोड़ी सी उसको लग रहा है कि नहीं मुझे इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेरी मतलब होशियार या फिर संवेदनशील, जो कोई अलर्ट रहता है हमेशा। ओके सिनोनिम्स देखते हैं इसका देखिए, अलर्ट, गार्डेड एंड हेटफुल। एंटोनिम्स की बात करें देखिए, केयरलेस, इकोजन एंड अनसेफ, ठीक है। ओके एग्जांपल देखते हैं देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा वेरी क्या है, द स्टोर ओनर केप्ट अ वेरी आईज ऑन हिम, मतलब जो स्टोर ओनर, जो दुकान का मालिक है यहाँ पे, जो दुकान का मालिक है,
वेरी आई ऑन हिम, मतलब जब भी कोई सामान लेने आता है तो मतलब जो अपने कस्टमरों पे एक वेरी आई रखता है, मतलब एक होशियार जागरूक संवेदनशील नज़र बनाए रखता है कि कहीं वो कुछ चुरा न ले या फिर कुछ कर मतलब कुछ ले न ले, ठीक है। तो उससे वो क्या कर रहा है, वो वेरी आई मतलब सब पे एक वेरी आई रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हिम है, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो मतलब इतना होशियार है कि कोई उसे ये कर नहीं सकता है, मतलब छल नहीं कर सकता है, कुछ वहाँ से चुरा नहीं सकता है, तो ठीक है। तो वेरी मीन्स क्या हो गया, होशियार या फिर संवेदनशील। ओके, तो यहाँ पे देखिए दसवां वोकैब बढ़ते हैं लास्ट हम अपने वोकैब की तरफ, लीवे। लीवे मीन्स फ्रीडम टू डू समथिंग्स द वे यू वॉन्ट टू डू इट, ठीक है। मतलब आपको किसी चीज़ के करने के लिए पूरी छूट हो, ठीक है, पूरी फुली तरीके से स्वतंत्रता हो उससे, तुम्हारा जो मन है आप उसको करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका हिंदी मीन्स है वो क्या, छूट या फिर गुंजाइश। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए लेटिट्यूड, स्लैक एंड स्पेस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, दे गिव देयर स्टूडेंट लीवे टू ट्राई न्यू थिंग्स, मतलब उन्होंने अपने जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके जो विद्यार्थी थे, उन्हें क्या दिया, एक खुला छूट दिया कि आप नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लीवे, ठीक है, लीवे मतलब उन्हें छूट दिया, दे गिव देयर स्टूडेंट लीवे टू ट्राई न्यू थिंग्स, मतलब नई चीज़ों को जानने के लिए या फिर ट्राई करने के लिए क्या किया, लीवे किया, मतलब छूट दिया अपने स्टूडेंट को। तो ये था हमारा 10वां वर्ड, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।